प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम विल सॉल्व आपके लिए आंसर की यानी कि सॉल्यूशन लेके आए हैं इस पेपर का। और ये पेपर आप 6 अप्रैल को देके आए हों। प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है और क्लास 10th का ये पेपर है, तो आपने अपने आंसर मैच करने हैं कि आप किस ऑप्शन को सही करके आए हो और कौन सा ऑप्शन सही था। पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूँ आपका वही जाना पहचाना पुराना आशीष सर। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करें पहला सवाल। यह तीसरा है कि निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे। और जो पहला सवाल है कि दयाहीन व्यक्ति पशुओं से भी बदतर है, इसमें अपने रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। कौन सा है? तो देखो ये सिंपल सा है, इसमें कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं लग रहा, ये सरल वाक्य है। एक ही क्रिया है, कोई कंजक्शन नहीं है, कोई डिपेंड नहीं है, तो है ना, एक ही यहाँ पर है सरल वाक्य। दूसरा देखो, यदि अकाल पड़ेगा तो जनधन की हानि होगी, यहाँ पर भी आपको वाक्य भेद बताना था, तो यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य है। क्यों है? क्योंकि ये यदि से स्टार्ट हुआ है। और दूसरा देखो, इसमें एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है, और यदि जब ही जो ही जैसे ही ये सारे अगर स्टार्टिंग में होते हैं, वाक्य में होते हैं, तो आपका 110% आपका मिश्र वाक्य होता है। ये आप आंख बंद करके अपना ऑप्शन लगा लेंगे तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसरा सवाल है, सूरज उगा और अंधेरा भाग गया। अब आप यहाँ पर फिर से वाक्य भेद बताना है, तो देखो इसमें क्या है, और जुड़ा हुआ है, तो और कहाँ होता है आपका संयुक्त में, कंजक्शन और तथा किंतु परंतु लेकिन, है ना। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। चौथा सवाल है, जहाँ जहाँ गांधी जी गए उनका भव्य स्वागत हुआ। अब यहाँ पर उपवाक्य बताना है, कौन सा उपवाक्य है, ये संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण है, या सामसिक उपवाक्य है। तो देखो सामसिक उपवाक्य तो कोई होता ही नहीं है, ये तो खाली दिया इन्होंने, और ये है आपका संज्ञा उपवाक्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किनके स्वागत करने की बात हो रही है, गांधी जी के, और गांधी जी के आपके संज्ञा है। क्लियर है? पांचवा देखो, चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा, इसमें आपको इसने मिश्र वाक्य में आपने इसे बदलना है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसे ऊपर सरका लेता हूँ, और इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है, मिश्र वाक्य। चोर ने देखा कि, तो यहाँ पर जो कि है उसने इसे मिश्र वाक्य में बदल दिया। बाकी सारे जो है यहाँ पर सिंपल है, यानी कि कर्तृवाचक के ही एग्जाम्पल है। तो चलिए दूसरा सवाल यानी कि चौथा सवाल आपका है, और यहाँ पर आपने फिर से 5 में से 4 के उत्तर देने हैं, और ये आपका है वाच्यस पे आधारित है। तो देखो यहाँ पर महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर बल दिया, इस वाक्य में आपने वाच्य की पहचान करनी है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा है, ये कोई भी इसमें टेढ़ा मेढ़ा से द्वारा नहीं लगाए, तो ये आपका कर्तृवाच्य हो गया। किसी भी सवाल में डाउट रहता है तो इस वीडियो को पूरा देखने समझने के बाद आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य बताना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये भाववाच्य है। और तीसरा है कि शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ये कौन सा वाच्य है? तो ये भी आपका भाववाच्य है, ठीक है। चौथा सवाल है कि वे यह दृश्य नहीं देख सकते, इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। वे यह दृश्य नहीं देख सकते, इसको आपने कर्मवाच्य में, तो यहाँ पर देखो कर्मवाच्य के लिए आपको से के द्वारा जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? और यहाँ पर जो से के द्वारा है वो सबसे लास्ट वाला, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और बल्कि ये भी थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ पर भी जिसने भी आंसर की बनाई है, मतलब पेपर बनाया, थोड़ा सा यहाँ पर गलती रख दी। इसमें होना चाहिए उनसे यह दृश्य देखा नहीं जा सकता। सकता क्यों आएगा? क्योंकि आप देखो जो मेन सेंटेंस था उसमें सकता आया है, तो आप पर यहाँ पर भी सेम फीलिंग आनी चाहिए। तो चलिए फिर भी चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और जो पांचवा सवाल है कि रोगी से रात भर सोया नहीं गया, इसको अपने कर्तृवाच्य में बदलना है। तो कर्तृवाच्य में बदलने के लिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि रोगी रात भर सो नहीं सका। देखो बाकी सब में से और के द्वारा जुड़ा है, तो इसमें भी से है, इसमें भी से है, इसमें द्वारा है, तो इसलिए इन तीनों सेंटेंस में से कर्तृवाच्य वाला हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अब हम पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये है हमारे पास पद परिचय। जी हाँ, पद परिचय। निम्नलिखित में फिर से 5 सवाल हैं और 4 के उत्तर देने। तो राहुल बाजार जा रहा है, इसमें जो राहुल शब्द है उसका आपने पद परिचय करना है। अब देखो यहाँ पर राहुल क्या, सबसे पहली बात तो कि संज्ञा है ना, तो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो एक वचन पुल्लिंग तो आपको मैक्सिमम सभी में मिल रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर जो है कर्ता कारक और
व्यक्तिवाचक, दो में आपको इसे छांटना था, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल पहला वाला करेक्ट है। दूसरा देखो, हम लोग सफाई कर रहे थे, अब यहाँ पर जो हम लोग हैं वो क्या है, तो वो आपका क्या है, पहले बच्चों ये सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन पुल्लिंग, तो लगभग काफ़ी एग्जाम्पल में है, और ये कर्ता कारक भी है यानी कि काम को करने वाला है, तो आपका सबसे लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए, सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है ना, हम लोग ज़्यादा हैं, और यहाँ पर अगर आपने जो डिलीट करना था तो कर्मवाचक जिनमें भी है उसे आपने हटाना था, है ना, तो कर्मवाचक है ही नहीं। चलिए उसके बाद देखो, विशेषण सर्वनाम भी था ये, तो काफ़ी जगह, तो एक जगह तो यहाँ पर संज्ञा भी दे रखा है। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि बच्चे क्रिकेट सीख रहे हैं, अब यहाँ पर सीख रहे हैं का आपने जो करना है पद परिचय, तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड। अब सेकेंड क्यों है, सबसे पहले देखो क्रिया है, ये तो सभी को डाउट क्लियर हो गया होगा, क्रिया सभी में है। अब ये है सकर्मक क्रिया, क्लियर है, तो आपने एक तो इसे सकर्मक क्रिया से छांटना था, और दूसरा देखो सकर्मक क्रिया दो में ही है, लेकिन इसमें एक वचन है इसलिए ये वाला डिलीट हो गया, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, मैं हाथ से लिखता हूँ, है ना, चौथा सवाल, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, संज्ञा है हाथ, सबसे पहली बात। अब ये हाथ जो है वो जातिवाचक संज्ञा, सभी हाथ है यहाँ पर, सभी लोगों के हाथ है, तो जातिवाचक संज्ञा है, और उससे इम्पोर्टेंट चीज आपने इसे देखो, एक तो जातिवाचक से आपने इसे पहचानना है, और दूसरा है करण कारक, शेर लगाना से उसके बाद, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम पांचवे की बात करें, तो पांचवे सवाल में कोई भी डाउट नहीं है, तिनका रत्ती भर भी नहीं, संतरे की मिठास अच्छी है, तो जो मिठास शब्द है ना वो भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, बाकी देखो किसी में भी भाववाचक संज्ञा की बात ही नहीं की है। अब हम छठा सवाल यानी कि रस जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं, यहाँ पर भी पांच सवाल है, चारों के उत्तर देने हैं, तो प्यारे बच्चों ये रिपीट भी आपके हो सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आपने ध्यान से देखना है। रति किस रस का स्थायी भाव है, सिंपल सा है, रति क्या है, श्रृंगार है, तो यहाँ पर ये पूरा दिख नहीं रहा, ये श्रृंगार लिखा हुआ, ठीक है। रौद्र का स्थायी भाव, देखो रौद्र का ये तो याद करने वाली बात थी, रौद्र का क्रोध होता है, और रसराज की संज्ञा किसे दी गई है, तो ये भी बड़ा सिंपल सा है ना, श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत आई होगी कि बाल दशा सुख निरखी यशोदा, तो यहाँ पे देखो ये तो यशोदा मैया की बात आ रहे हैं, और ऊपर बाल दशा यानी कि बच्चों की दशा, तो जहाँ पर माँ और पुत्र की बात आए वो आपका वात्सल्य रस होगा, सिंपल सा लॉजिक है। आगे देखो, गर्भक के अर्भक दलन परशु मूर्ति घोर, ये आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई लाइन है, और पूरे राम लक्ष्मण में क्या व्यंग्य है और गुस्सा भरा हुआ परशुराम जी का, तो इस लाइन में परशुराम जी कहते हैं कि मेरा फरसा इतना खतरनाक है, मेरा गुस्सा इतना खतरनाक है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मर जाता है, मतलब वो भी प्राण छोड़ सकता है, तो इतना खतरनाक यानी कि गुस्सा दिखा रहे हैं। अब गुस्सा क्या, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, है ना, तो क्रोध दिखा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी, कुछ और डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ आपको समझ नहीं आया हो यानी कि किसी सवाल में आपको डाउट लगे तो ज़रूर कमेंट करना, और मुझे ना प्यारा सा अपना सुझाव भी ज़रूर देना कि आपको हमारे चैनल पर वीडियो कैसी लगती है तैयारी के पर्पज से। धन्यवाद।